हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और वहीं से स्टार्ट करता हूँ बेटा अपनी बात को। बाबू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में तीन मेजर फंक्शन हम कवर कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ फंड्स, चेक फैसिलिटी। लो प्यारे बच्चों सामने देखना। तो बेटा हम बात कर चुके हैं तीन मेजर फंक्शन की कि कॉमर्शियल बैंक क्या क्या करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन फाइव फॉर्म, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी एंड एमओडीएस बात करी। लेंडिंग ऑफ फंड में तीन कैटेगरी के लोन है बात कर ली बेटा, एक को मैं बोलता हूँ लोन, दूसरे को बैंक ओवरड्राफ्ट और तीसरे को सीसी लिमिट। चेक फैसिलिटी, चेक दो तरीके के होते हैं बेटा, बियरर चेक और क्रॉस चेक, ये चर्चा भी हो चुकी है। बेटा आज बात करेंगे फंड ट्रांसफर की, सबसे पहले जान लो जरूरत क्या है इसकी। बेटा आप खुद समझो, मैं बोलता हूँ आपको एक बात, आप सहारनपुर सिटी के रेजिडेंट हो, रायवाला में आपकी दुकान है बेटा, ठीक है ना, और आप दुकान चलाते हो अच्छे खासे लेवल पर, ठीक है। आपको सामान मंगाना है सूरत से, आपको कल सुबह गुड्स चाहिए बहुत अर्जेंट, ठीक है। और मान लो बेटा आज ट्यूसडे का दिन है, आपने सोचा था कि आज सूरत जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा, सूरत जाऊंगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे डलवाऊंगा, एक दिन में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आप सुबह उठते हो, आपको ठीक फील नहीं होता बेटा, आप नहीं जा पाते, आपकी तबीयत खराब है, 10 बजे आपने कॉल लगाई अपने डीलर को कि एक काम करो वहाँ से गुड्स चला दो 1 करोड़ रुपए का, मेरा दोस्त आ रहा है मैं उसके हाथ चेक भिजवा देता हूँ। उसने कहा कौन लेगा रिस्क 1 करोड़ का, मैं यहाँ से गुड्स चला दूँ वहाँ आपको रिसीव हो जाए, मैं 1 करोड़ की इंतजार ही करता रह दूंगा। कह रहा है नहीं भाई इतना उधार नहीं है। उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपये नगद आपके अकाउंट में जमा करा देता हूँ। देखो बेटा ऑल दो करंट अकाउंट में पैसे जमा कराने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बेटा मैं बोलता हूँ ये वाला प्रपोजल ना दोनों को ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस बात को समझो, आपके लिए आसान होगा 1 करोड़ भर के ले जा रहे हो बैंक में नगद जमा कराने, अपनी जान के साथ भी रिस्क ले रहे हो बेटा, शायद आप खुद भी ना ये काम कर पाओ, और अगर आप ओके भी करो इस चीज को तो बेटा चाहे वो जो पर्सन है जो सूरत में बैठा हुआ है वो मना कर दे, क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ रुपए नगद जमा हो जाएंगे ना बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा इनकम टैक्स की रडार पर आ जाओगे कि 1 करोड़ रुपए नगद कहां से आ गए, किसने जमा करा दिए, नगद किसके घर पड़े होते हैं 1 करोड़, समझ रहे हैं ना। हाँ वंश कह रहा मेरे घर बड़े होते हैं, करेंगे तेरे से बात बाद में, पकड़ लो इसको आज देखी जाएगी बेटा। हाँ जी बेटा करो इसके पापा को फोन, फिरौती मांगो यार आज। लो जी बाबू बात समझ में आई आपको। तो बेटा अब दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, ना तो चेक भेजने वाली बात पे एक्सेप्ट कर रहा आपका सूरत का डीलर, और ना ही बेटा वो एक्सेप्ट कर रहा कि आप कैश उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दो, और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप भी फंस जाओगे अगर गलती से भी कैश जमा करा दिया 1 करोड़ रुपए, समझ रहे हो बेटा। तो ऐसे केसेस में गुड्स कैसे आएगा बेटा सूरत से, और आज ही निकलेगा बेटा। बाबू ऐसे केसेस में आपके पास ऑप्शन होता है फंड ट्रांसफर, और ये होता दो तरीके से है बेटा, सब सामने देख रहे हैं बेटा, चीजों को बहुत आराम से समझने वाले हम। एक तरीका है आरटीजीएस और दूसरा तरीका है नेफ्ट। आज ये ना समझाना बेटा तो बेटा एमकॉम भी पास हो जाओगे और उसके बाद भी जाओगे बैंक में, भैया पेइंग स्लिप भरना सिखाना, भैया विड्रॉल का कौन सा फॉर्म होता है, ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत बार बैंक जाना पड़ता है किसी ना किसी काम से, भाई मैं देख रहा होता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है भाई साहब, कुछ नहीं पता उसको बैंक के बारे में, दीन दुनिया के बारे में, उसे ये नहीं पता होता आरटीजीएस क्या चीज़ है और नेफ्ट क्या चीज़ है, जबकि 11th 12th में हमारे सिलेबस का पार्ट होती है बेटा, और ये बात 11th में ही पढ़ा देता हूँ मैं, अगर ये आपको नहीं पता ना तो अपने ऊपर हंसो बेटा आप। चलो जी बेटा आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बहुत आराम से समझेंगे इस चीज को, और जितना मर्जी अच्छा पढ़ाओ बेटा तब भी नई बात सिखा दूंगा इसमें, ये भी बात बता रहा हूं आपको, आप चाहे पढ़ कर आए हो तब भी नई बात सिखा दूंगा इसमें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
और बेटा नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लो जी बेटा, आरटीजीएस जनरली 2 लाख से ज्यादा अमाउंट के लिए होती है बेटा, और नेफ्ट 2 लाख रुपए तक के लिए होती है। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस चीज को समझेंगे। यानी कि बेटा, अगर आपको 2 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफर करना हो तो आप नेफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर 2 लाख से ज्यादा फंड ट्रांसफर करना हो तो आप उसके लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में बहुत अच्छे अच्छे फर्क है बेटा, और बहुत आराम से समझेंगे। बेटा इसका नाम देखो क्या है, रियल टाइम। अभी मेरा ग्रॉस सेटलमेंट पे एनालिसिस नहीं है, बाद में बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन बेटा नाम में क्या है, रियल टाइम। रियल टाइम समझते हो, रियल टाइम का क्या मतलब होता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आपको सूरत 1 करोड़ रुपए भेजने हैं, आपने क्या करा बेटा, पार्टी को कहा लाओ अपनी अकाउंट डिटेल दो। सूरत वाली पार्टी ने सारी अकाउंट की डिटेल भेज दी आपको, आप 1 करोड़ नकदी जमा कराने जा रहे हैं उसके खाते में। आप पहुंचे अपने बैंक, आपका बैंक है पीएनबी माधोनगर, उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है बेटा 2.5 करोड़ रुपए, क्योंकि ठीक ठाक लेवल के डीलर हो बेटा आप राय वाले के, ठीक है ना। आपने क्या करा बेटा, फंड ट्रांसफर का फॉर्म उठाया, फॉर्म भरा, सामने वाली पार्टी की डिटेल डाली बेटा, और दे दिया उसको साइन करके कि मेरे एक अकाउंट से 1 करोड़ हटा दो बेटा, और सूरत के डीलर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए प्लस कर दो। बेटा आप बैंक से बाहर नहीं निकलोगे, 1 करोड़ उसके खाते में पहुंच चुका होगा। नाम यही है बेटा, रियल टाइम। ये जो फंड ट्रांसफर करता है रियल टाइम में करता है, रियल टाइम मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। जिस टाइम पर बेटा आप बटन दबाया, उस पर्सन ने जो भी टेलर है बैंक में बैठा हुआ, उसी टाइम पैसे वहां होंगे, आपके पास मैसेज आएगा 1 करोड़ डेबिट हो चुके हैं बेटा, और वहां 1 करोड़ क्रेडिट हो चुके होंगे। दिस इज द स्पीड। दूसरी बात बेटा, नेफ्ट बाबू ये रियल टाइम सेटलमेंट नहीं करता, आरटीजीएस रियल टाइम काम करता है, नेफ्ट रियल टाइम काम नहीं करता। लेकिन बेटा क्या सेम डे में ट्रांसफर हो जाएंगे, एक दिन में तो पैसे पहुंच ही जाएंगे। ये कैसे काम करता है बेटा, इट रन इनटू बैचेस, ये बैचेस में चलता है। बैचेस मतलब एक बैच चलता है 10:30 बजे बैंक में, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 और 3:30, 6 बैच चलता है। समझाने के लिए बोलता हूं, आपने बेटा फंड ट्रांसफर करना है उस सूरत के डीलर को बेटा, फंड अमाउंट इज 1,50,000, 2 लाख से कम है। यानी कि जो हम फैसिलिटी अवेल करेंगे उसका नाम क्या है बेटा, नेफ्ट है उस फैसिलिटी का नाम, ठीक है। आपने बेटा 10 बजे फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया और कह दिया कि ये लो फंड ट्रांसफर कर दो। बेटा पूरे 10 बजे तो ये काम नहीं होगा, पहला बैच बैंक में रन करता है 10:30 बजे। बैंक 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितने भी फंड ट्रांसफर के फॉर्म आते हैं उसको 10:30 बजे रन करता है। जितने भी फॉर्म आते हैं 10:30 से 11:30 उसको 11:30 बजे रन करता है। जितने भी 11:30 से 12:30, फिर 12:30, फिर 1:30, फिर 2:30, फिर 3:30, 6 बार दिन में बेटा नेफ्ट लगती है। समझ आई बेटा, बाबू ये काम करेगा रियल टाइम। 10 बजे जाओगे 10:01 पे काम नहीं बढ़ जाएगा बेटा, बाबू ये काम करेगा बैचेस में। 10 बजे जाओगे 10:30 की बात करना, 10:31 पे जाओगे 11:30 की बात करना। क्या सेम डे में हो जाते हैं फंड ट्रांसफर, सेम डे में हो जाते हैं फॉर श्योर, ठीक है ना। और बैंक वाले बड़े निकम्मे होते हैं, आपको अंदाजा बता देता हूं बेटा क्या करते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो ना उस पर टाइम लिखना होता है, आप टाइम कोट करते नहीं, और बैंक बेटा ढिल्ला बहुत है। कितने बजे रन करेंगे आप, 10 बजे दे आओ, 2:30 बजे लगेंगे, 3:30 बजे लगेंगे, बाद में टाइम तो उन्होंने ही डालना है ना। आप टाइम लिखो, देखना उनकी कितनी बड़ी मजबूरी होती है। बच्चों को क्या पता कि हमें फॉर्म भरना कैसे है। समझ आई बात बेटा, पहले ये बताओ ये दोनों बातें क्लियर हुई, डिफरेंस क्लियर हुआ। बाबू 2 लाख से ज्यादा के लिए आरटीजीएस, 2 लाख रुपए तक के लिए नेफ्ट, इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये रियल टाइम में काम करता है, ये बैचेस में काम करता है। लास्ट डिफरेंस, काम का डिफरेंस बेटा, इसकी सेटलमेंट के लिए वर्ड यूज होता है ग्रॉस सेटलमेंट। नाम में ही है इसके तो सब कुछ, एक तो ये रियल टाइम चीज है और दूसरी ग्रॉस सेटलमेंट करता है। अभी बताऊंगा ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन ये समझो कि नेफ्ट जो सेटलमेंट करता है उसे हम बोलते हैं नेट सेटलमेंट। लो प्यारे बच्चों, ये समझाने की कोशिश करता हूं नेट सेटलमेंट क्या चीज होती है। एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लैरिटी सिर्फ एग्जाम्पल से आती है इसमें। सुनना, मैं कोई पर्सन हूं बेटा,
मनीष जिसका अकाउंट है बेटा पीएनबी माधोनगर ब्रांच में, ठीक है। शिवम, शिवम का अकाउंट है बेटा लेट्स सपोज दिल्ली एचडीएफसी की करोल बाग ब्रांच में, ठीक है, एचडीएफसी करोल बाग ब्रांच दिल्ली, ठीक है जी। सेम ऐसे ही सारांश का अकाउंट है एचडीएफसी करोल बाग दिल्ली, और वंश का अकाउंट मेरे साथ ही है पीएनबी माधोनगर में। हम दोनों का अकाउंट सेम जगह पर है, सेम बैंक में, उनका सेम जगह पर है सेम बैंक में, ठीक है जी। सुनना बेटा ये बहुत काम का एग्जांपल है, अगर ये समझ में आ गया तो बेटा सब कुछ समझ में आ गया। मैं 10-1 पे पहुंच गया बैंक कि मुझे शिवम के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए फंड ट्रांसफर करना है। मैंने सारी डिटेल लिख दी बेटा, एचडीएफसी बैंक करोल बाग ब्रांच, शिवम का नाम, शिवम का अकाउंट नंबर, 1.5 लाख रुपए अमाउंट, और बेटा सिग्नेचर करे और बैंक में दे दी 10-1 पे, ठीक है जी। बेटा ये फंड कब ट्रांसफर होने, 10:30 बजे, नेफ्ट तो बेटा सेटलमेंट बैचेस में करती है। मैं घर आ गया उठकर, मुझे क्या, मुझे तो पता है बेटा 10:30 बजे काम हो जाएगा, ठीक है जी। 10:05 पर सारांश पूछता है अपनी ब्रांच में, एचडीएफसी करोल बाग ब्रांच जहां शिवम का भी अकाउंट था। सारांश ने बेटा फॉर्म भरा कि वो वंश के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करना चाहता है। वंश का अकाउंट कहां है, पीएनबी माधोनगर सहारनपुर सिटी, ठीक है जी। इसने वंश का अकाउंट नंबर लिखा, फंड अमाउंट लिखी 1 लाख, अकाउंट बाबू नाम लिख दिया, ब्रांच का नाम सब कुछ लिख, ठीक है जी। 10:30 बजे बैच रन करना है, ये दोनों ट्रांजैक्शन आपने कंप्यूटर में एंटर करी, देखा है तो मैच कर रही है, कहीं ना कहीं ये सेम ब्रांचेस की ट्रांजैक्शन है। बेटा सुनो, अब बैंक करेगा क्या, 10:30 बजे जो ये सेटलमेंट होगी ना वो नेट सेटलमेंट होगी। नेट सेटलमेंट मतलब सारी ट्रांजैक्शन को क्लब करते हुए, मैं एग्जांपल में 50 ट्रांजैक्शन भी डाल सकता हूं, पर रायता नहीं फैलाना, हमें तो चीज समझानी है बेटा। अब मैं बोलता हूं ये दो ट्रांजैक्शन अगर आपने मर्ज करी तो समझना क्या हुआ। सहारनपुर में मैंने 1.5 लाख रुपए छोड़े हुए हैं अपने अकाउंट से, कहा है 1.5 लाख काट लो शिवम के अकाउंट में डाल दो। दिल्ली में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं बेटा सारांश के अकाउंट में, उसने कहा है मेरे अकाउंट से 1 लाख काट दो, वंश के अकाउंट में डाल दो। यही किया हुआ है, मैं देखो दोनों ट्रांजैक्शन को जोड़ रहा हूं, और समझदार बच्चे समझ जाना एक बार, दोनों ट्रांजैक्शन मैंने जोड़ दी। सहारनपुर में 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, जबकि वंश को 1 लाख देना है, यहां से 1 लाख उठाया, यहीं से वंश के अकाउंट में डाल दिया। सारांश के अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, शिवम के अकाउंट में 1.5 लाख डालना है, वहां से डाल दिया 1 लाख रुपए, सारांश के अकाउंट से ही उठाया और शिवम के अकाउंट में डाल दिया, यहां से जाएंगे सिर्फ 50,000 रुपए। क्या किया मैंने, दोनों ट्रांजैक्शन को मिलाकर सेटल करा बेटा। जो मैंने सेटलमेंट करी इसका नाम नेट सेटलमेंट है। दोबारा सुन लो बेटा क्या करा हमने सेटलमेंट में, क्योंकि जितनी अजीब शक्लें आपने बनाई है ना, मुझे लग रहा है मैंने कोई रॉकेट साइंस ही पढ़ा दिया आज, ठीक है ना बाबू। बाबू सुन लो, मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं फंड शिवम के अकाउंट में 1,50,000, और बेटा सारांश ट्रांसफर करना चाहता है 1 लाख रुपए वंश के अकाउंट में, ठीक है जी। आप सोचो दिल्ली में पैसे कितने पड़े हुए हैं बेटा, 1 लाख रुपए पड़े हैं सारांश के खाते में, और 1.5 लाख पहुंचाने हैं बेटा शिवम के खाते में। सहारनपुर में पैसे कितने पड़े हुए हैं, 1.5 लाख रुपए पड़े हैं मेरे खाते में, और वंश के खाते में पहुंचाने हैं 1 लाख। सर अगर आप कहोगे यहां से 1.5 लाख चले जाएं, वहां से 1 लाख आ जाएं, तो बेटा फिर फायदा ही क्या था नेफ्ट का। नेफ्ट क्या करती है बेटा, नेट सेटलमेंट करती है बेटा, दोनों ट्रांजैक्शन को क्लब करके सेटल डाउन किया जाएगा। मेरे अकाउंट से 1 लाख उड़ाए जाएंगे, पहले बेटा वंश के खाते में डाले जाएंगे, सारांश के खाते से 1 लाख उड़ाए जाएंगे, शिवम के खाते में डाले जाएंगे, शिवम के खाते में 1.5 लाख पहुंचाने थे, यहां से सिर्फ 50,000 ट्रैवल करेंगे बेटा। क्या करा बेटा, जो ये नेफ्ट ने किया बेटा, इसे हम बोलते हैं नेट सेटलमेंट, यानी कि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आने वाली सारी ट्रांजैक्शन क्लब की जाती हैं, और फिर सेटलमेंट को बेटा प्लेस किया जाता है। मैंने तो सिर्फ ये 2 ही ट्रांजैक्शन ली, आप लेने को 50-100 ट्रांजैक्शन ले सकते हो, लेकिन बेटा मुझे तो समझानी है चीज, मुश्किल नहीं करनी, क्लियर हुई बात। अब यही सोचकर देखो, अगर ये आरटीजीएस होती तो क्या होता, तो उसकी सेटलमेंट कैसे होती, सुनना। अब मैं अमाउंट 2 लाख से बड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे बात आरटीजीएस की करनी। मैं पहुंच गया पीएनबी माधोनगर, मैंने बोला शिवम के अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफर करने हैं 10-1 पे। बेटा बैंक से बाहर भी नहीं निकलूंगा, 10-1 पे ही काम हो चुका होगा, तो यहाँ नेट सेटलमेंट की तो नौबत ही नहीं आएगी। और सारांश पहुंचा 10:05 पर,
कि मुझे वंश के खाते में 2.5 लाख ट्रांसफर करने हैं, 10 6 पे काम हो चुका होगा, खत्म। कोई नौबत आई नेट सेटलमेंट की या क्लब करने की, जरूरत ही नहीं पड़ सकती बेटा। समझ आया बेटा? आरटीजीएस और नेफ्ट आपस में एक दूसरे से थोड़े से डिफर है, ठीक है ना? और मैं बोलता हूँ आपके पहले नॉलेज होनी चाहिए बेटा, वरना बैंक आपको चलाते बहुत है। आप आरटीजीएस का भी फॉर्म दियाओगे ना बेटा, लटका देंगे रात तक। बात समझ में आई बेटा? तो बेटा बैंक के चार मेजर फंक्शन कवर हो गए बेटा, सबसे मेजर यही है। इसके अलावा छोटे मोटे तो बैंक 20-30 फंक्शन परफॉर्म करता है। आज सब पे एनालिसिस हो जाए, कम से कम 8-9 पे तो हो ही जाए बेटा, और फिर कमर्शियल बैंक खत्म आज और अभी। लो जी बेटा, बात करते हैं अलाइड सर्विसेज की। अलाइड सर्विसेज मतलब एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफ बैंक, जो बेटा इन चार के अलावा है। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बैंक लोन देता है, बैंक चेक फैसिलिटी देता है, बैंक फंड ट्रांसफर कराता है बेटा। इसके अलावा भी बैंक बहुत कुछ करता है, बताएंगे आप, बताऊंगा मैंने, आप बता दो। एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से हर एक पे बहुत तगड़ी मिलेगी बेटा। बैंक हमें तो कोई ना बताए बेटा कि क्या होता है, सारा दिन बैंक में बैठ के ऑडिट करते हैं बेटा, तो हमें थोड़ी कोई बताएगा बैंक क्या होता है। जो 20 एम्प्लॉई पूरे साल में काम करते हैं, वो सीए 5 दिन में चेक करता है। तो ये तो खैर, हमें तो कोई ना बताए बेटा बैंक क्या चीज है। फटाफट से बताओ बेटा अलाइड सर्विसेज और बैंक क्या करता है इन चार काम के अलावा। सर एक एक करके बोलते जाओ, हैंड रेस करते जाओ। लॉकर फैसिलिटी, अगेन बहुत बढ़िया मुद्दा है। हाँ जी सिमरन कुछ कह रही थी, एक एक करके क्या? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई बैंकिंग लिख लें इसको, ठीक है जी। हाँ जी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, चलो जी इस पे भी चर्चा होगी, बढ़िया। और हैं भाई गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम मेनली लोन से रिलेटेड होती है, वो लोन में ही कवर हो जाएंगे, यहाँ छेड़ू क्या? डिमांड ड्राफ्ट, हाँ जी क्या कह रहा माधव भाई? बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकती है बात, यार कहाँ अकाउंट्स में डाल रहा मेरे को। चलो और कलेक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, लो जी बेटा एक काम करते हैं, पहले इन चीजों की चर्चा करते हैं बेटा। अगर आप और कुछ कहोगे तो और कुछ की भी चर्चा कर देंगे। तो बेटा बैंक एक्स्ट्रा काम के तौर पर ये बहुत सारे काम करता है, ठीक है ना? दिया कल आपका वाला जो प्रॉब्लम थी वो भी यहां पर आ गई, करेंगे बेटा बात। आप स्टार्ट करते हैं लॉकर फैसिलिटी से। चलो एक काम करता हूं बेटा, आपको एक्स्ट्रा बात बहुत सारी मिलेंगी यहां पर सुनने को, जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो बेटा। जिस जगह पर बैंक में लॉकर होते हैं उस जगह को बोलते हैं स्ट्रांग रूम, ध्यान रखना स्ट्रांग रूम। और वह सच में बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बेटा। अच्छा खैर बहुत सारी बातें होनी है बेटा, एक चर्चा बताता हूँ आपको। आप कभी लॉकर खुलवाने जाना बैंक में, ठीक है? बड़े हो चुके हो या कभी जाने का मौका भी मिलता है पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना बेटा? बैंक किसी जगह तो किसी फॉर्म पे तो साइन कराता होगा, किसी जगह किसी फॉर्म पे तो साइन कराता होगा। अच्छा हम लॉकर में पैसा या ज्वेलरी या प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं, ऐसे ही कुछ रखते हैं ना बेटा, वजह क्यों? मतलब लॉकर ही क्यों, और कोई जगह घर में नहीं? सेफ्टी, सेफ्टी की वजह से रखते हैं। लॉकर सेफ होता है? सर आज एक काम कर लेना, ऑनलाइन एक काम कर लो आज बेटा, बैच खत्म होने का, गूगल कर लो कि जब आप लॉकर फैसिलिटी का फॉर्म भरते हो पहली टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, क्लियर कट लिखा होता है कुछ लॉकर में से चोरी हो जाए, कल को बैंक में चोरी हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिस सेफ्टी की आप बात कर रहे हो ना, मैं उसी सेफ्टी की बात कर रहा हूं। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर देख लेना, अगर पहली ये ना लिखो किसी भी बैंक में हो आपका लॉकर, पहली बात। दूसरी बात, क्या लॉकर तोड़ना इतना आसान होता होगा? बात ये है, सेफ्टी की बात तो यहां पर है, क्या इतना आसान होता होगा? सर स्ट्रॉन्ग रूम तोड़ना इज नॉट अ जोक, आपको बता देता हूं बेटा। किसी बहुत पुरानी चर्चा है ये, मैं किसी टाइम पर सीए कर रहा था, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के बिल्कुल बराबर में एक पंजाब नेशनल बैंक है भाई साहब। रात को एक चोर घुस जाता है, पता नहीं कैसे कैर घुस गया वो बैंक में, और बेटा वेल्डिंग मशीन लेकर सुबह 9 बजे तक वो बैंक में रहा।
क्योंकि हुआ क्या, जैसे उसको लगा कि कोई आवाज आई, वो भाग गया, पता नहीं कहीं से दीवार दूर फान के आया था, भाग गया वो, अपनी मशीन मशून सब वहीं छोड़ गया। तो पता लगा कि मशीन भी लाया था साथ, और जितनी वेल्डिंग मशीन की वो जो वेस्ट थी गिर रखी थी, तो अंदाजा लगाया गया कि रात से बैठा होगा। भाई साहब स्ट्रॉन्ग रूम पे इतनी सी आंच नहीं आई। स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ना कोई मजाक नहीं है बेटा, इतना मोटा दरवाजा होता है और पता नहीं कितने सारे लॉक्स लगे होते हैं, उसको तोड़ना मजाक नहीं है, ये सेफ्टी है। दूसरी बात, जब आप लॉकर ऑपरेट करते हो तो लॉकर की ना कैटेगरी अलग अलग होती हैं, कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ, हर बैंक के हिसाब से अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लॉकर। और बेटा इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके लॉकर का रेंट कितना होगा। लॉकर का साइज ड्रॉअर से स्टार्ट होता है, ड्रॉअर से, इतना बड़ा लॉकर भी होता है जिसमें लोग प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं मेनली, कई बार करेंसी कैश भी रखते हैं, ठीक है ना, और आखिरी में इतना सा भी होता है जितना आपका मोबाइल का साइज है, ठीक है ना, ये सिर्फ ज्वेलरी कैरी करने के लिए होता है। तो बेटा डिपेंड, लॉकर के अलग अलग साइज होते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है लॉकर का रेंट कितना होगा। ये है लॉकर की कैटेगरीज। बेटा लॉकर ऑपरेट होता है हमेशा दो की से, ये पता है, किसी ने ऑपरेट करा आज तक लॉकर आप में से हैं? बाबू लॉकर, मान लो मैं आपको समझाता हूं, बैंक में ना छह कैटेगरी के मान लो लॉकर है, ए बी सी डी ई एफ। बेटा ये छह कैटेगरी कैसे होती है आपको बताता हूं। एक रैक बना हुआ है सामने, इसमें लॉकर है बेटा ए कैटेगरी के, ए वन से लेकर ए हंड्रेड तक, ऐसे ही बी में लेकर बी हंड्रेड तक, ऐसे ही ई एफ तक है, ठीक है। मान लो आपके लॉकर का नंबर है ई नाइनटी सेवन, आपके लॉकर का नंबर है ई नाइनटी सेवन, आप बैंक गए, आपने कहा सर लॉकर ऑपरेट करना है, उन्होंने कहा ठीक है लॉकर का नंबर लिखो, एक बुक होती है बैंक के पास उसमें आप लॉकर का नंबर लिखते हो, अपने साइन करते हो, बैंक ऑफिशियल कंप्यूटर से मैच करता है, आपके साइन सेम है, आपकी शक्ल मैच करता है, क्योंकि पहले ही बताना होता है कि लॉकर ऑपरेट कौन कौन करेगा, शक्ल मैच है साइन मैच है, चलो जी अंदर। बैंक ऑफिशियल खुद जाता है आपके साथ अंदर अपना ई कैटेगरी की उठाकर। बैंक के पास सारे ए कैटेगरी की एक की होती है, बी की एक, सी डी ई एफ की एक, बैंक ने एक की उठाई अपनी ई कैटेगरी की, आपके पास ई नाइनटी सेवन की है, ये दोनों की इकट्ठे लगाई, दोनों घुमाई, जैसे ही दोनों घूमेंगी वैसे ही लॉकर खुल जाएगा। ऐसे नहीं खुलता लॉकर की आपकी की से खुल जाएगा, खुल गया बैंक वाला अपनी की बाहर निकालेगा और आकर बैठ जाएगा अपनी चेयर पे, आप ऑपरेट कर लो। बैंक ऑफिशियल कभी भी नहीं खड़े होते वहां पर जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो लॉकर, ठीक है ना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप क्या करते हो, क्या निकालते हो, क्या डालते हो, जो मर्जी देखो अपने हिसाब से। आपने ऑपरेट करा, उसके बाद जैसे ही आपने प्रेस कर दिया लॉकर बंद हो जाएगा, उसके लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोबारा खोलने के लिए दोबारा चाहिए की बैंक ऑफिशियल की भी और आपकी भी, ऐसे नहीं खुलेगा लॉकर। सर आपको बता देता हूं, जिस दिन आप लॉकर का फॉर्म भर रहे होते हो आपको उसी दिन समझा दी जाती है, अगर आपने ये लॉकर की खो दी तो तैयार है ना 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आने वाला। क्यों बेटा, सरदार ताले वाला नहीं बैठता ना मैं में नहीं बेटा, ऐसा बैंक का नॉमनी है, क्योंकि जनरली क्या होता है बैंक में जितने भी लॉकर जितना भी फर्नीचर यूज होता है सब कंपनी का होता है, नेम भी बता दू गोदरेज का। तो बैंक क्या करता है बेटा, अगर आपने लॉकर की खो दी तो अपॉन योर रिक्वेस्ट अपॉन योर एक्सपेंसेस इंजीनियर बुलाता है बेंगलोर से, कभी पुणे से, कभी नोएडा से, वो इंजीनियर आता है, की सरदार ताले वाला नहीं बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, और जितना उसका खर्चा होगा आने जाने का बेटा रुकने का सारा खर्चा आप पे कर रहे हो अपनी जेब से। समझ में आया, शायद कुछ तो नया सिखाई दिया होगा जो आपको नहीं भी पता होगा, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी चाबी गिर गई बेटा, 12 हजार लगेंगे। लो बेटा आगे बात करते हैं, चलो मैंने लॉकर फैसिलिटी की बात कर ली, पहले काम करते हैं, पहले बात करते हैं इसकी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बेटा समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले हिस्ट्री, रीजन क्या पड़ा इस चीज की जरूरत क्या है। मान लो मैंने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस कराया है बेटा, और मान लो उसकी ड्यू डेट है ऑन 1st of September, और मैं हर बार भूल जाता हूँ, 1 सितंबर को बेटा लाइफ इंश्योरेंस की किस्त डी हो जाती है, हर बार भूल जाता हूँ बेटा, याद आता है कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4 में, कभी 5 में, फिर इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देता हूँ, वो बेटा चार्जेस इंटरेस्ट पेनल्टी मांगती है कि आपने लेट कर दिया, ठीक है ना, हर बार बाबू कहीं ना कहीं 100-200 रुपये लग जाते हैं। मैं अपने बैंक में गया, मैंने कहा बैंक एक काम कर दे, SI लगा दे,
अब ये चीज आपके लिए नहीं होगी, ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा कंप्यूटर में एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लगा देते आप कि मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर 1st of September को पैसे डेबिट हो जाएं और ये मेरी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट नंबर है, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। बैंक ने कहा ठीक है ऐसा ही लगा देता हूँ, चार्जेस लूंगा 20 रुपये। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 100-200 तो ऐसे ही दे आता हूँ हर बार, तो 20 रुपये चार्जेस ले लियो, ऐसा ही लगा दे। तो बैंक क्या करता है बेटा, आपके बिहाफ पर बहुत सारी पेमेंट कर सकता है। कलेक्शन की बात बाद में करूंगा, पहले बात करता हूँ पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। सर क्या क्या पे कर सकता है आपके बिहाफ पर? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करा सकते हो, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इवन हाउस टैक्स, और जो भी आप चाहो कुछ भी पे करा सकते हो बैंक से। बेटा आपके लोन की किस्त भी में भी ऐसा ही लगती है, हर महीने की 1 तारीख को लोन की किस्त आपके बैंक से कटेगी, और बेटा जिस भी बैंक से लोन लिया होगा और उसी बैंक के लोन अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो बेटा बैंक आपके बिहाफ पर बहुत कुछ पे कर सकता है, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन जनरली हम इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर रहे बेटा आज के तारीख में। क्यों? हमें लगता है हमारे पास गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, हम क्यों चार्जेस दें इलेक्ट्रिसिटी बिल के, ये तो हम एक बटन दबाएंगे पे कर देंगे बेटा। तो आज की तारीख में इस चीज का यूज या यूटिलिटी बची नहीं है, लेकिन बैंक ये काम करता है आपके बिहाफ पे अगर आप कराना चाहो तो। ऐसे ही बेटा आप बहुत कुछ कलेक्ट भी करता है बैंक आपके बिहाफ पर, जैसे कि बेटा मैंने किसी, अभी काम की बात है ये सुनना, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है जी, मैं भूल गया भाई, या मेरे दिमाग में है लेकिन मैं रोज डील नहीं करता, रोज खोलता नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है मान लो फ्यूचर के किसी दिन के लिए, मैंने कहा आज से 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, ये तो शेयर उसी नाम के 5 साल बाद बेचेंगे, मैंने बेटा देखने बंद कर दिए। बीच में कंपनी ने कहीं डिविडेंड अनाउंस करा और डिविडेंड बेटा क्या करा, मेरे बैंक में पे कर दिया। तो क्या बैंक आपके बिहाफ पर कलेक्ट भी करता है डिविडेंड को, इंटरेस्ट को? बेटा बैंक कलेक्शन करता है, और आपको बता देता हूं बेटा इसी चीज की आप 11th में रिकॉन्सिलिएशन भी करते थे, याद है आपको BRS पढ़ते थे अकाउंट्स में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बाय द बैंक, और आपको पता ही नहीं है, फिर आप अपनी कैश बुक में प्लस किया करते थे कि अच्छा बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो क्या बैंक आपके बिहाफ पर कलेक्शन भी करता है बेटा बहुत सारी आइटम का? बिल्कुल करता है बेटा, खाली पेमेंट नहीं करता, बहुत सारे कलेक्शन भी करता है। क्लियर हुई बात? तो फर्स्ट वन क्लियर हो गया, 6th वन क्लियर हो गया। बात करते हैं डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की। लो प्यारे बच्चों, हाँ जी सर, हाँ होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल का। बाबू पेटीएम के पास आज की तारीख में पावर है, वो हर एक कंपनी के साथ लिंक्ड है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है इलेक्ट्रिसिटी बिल के। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे ही उत्तराखंड की अलग है, हर स्टेट की अलग है बेटा, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है। बैंक इज ऑल्सो लिंक्ड विद दैट, बैंक ऑटो जनरेट कर लेता है कि कितना बिल आया और उतना पे कर देता है। सर पेटीएम को पावर हो गया, आपको लगता है वो तो बड़ी छोटी सी चीज है, बैंक को पावर नहीं देंगे? खुद सोचो, देंगे ना? देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की। वैसे बता देता हूँ बेटा, हमारे को पूरी जिंदगी भर यही लगता रहता है, हमारे टीचर ही गलत पढ़ाते रहते हैं, उनको भी यही लगता रहता है कि कार्ड 3 तरीके के होते हैं, ATM, डेबिट और क्रेडिट। और बड़े सारे बच्चों को मिथ होगा, बड़े सारे बच्चों को, एक ना आधे, मैं कह रहा हूँ 50% टीचर को मिथ है। तो भाई बच्चों की तो क्या ही बात करो भाई, गधों का इलाज तो मुश्किल है। ATM कार्ड और डेबिट कार्ड एक बात होती है, ATM कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही बात होती है। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, डेबिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड सिम, मैं हमेशा ऐसे समझाता हूं, ये प्रीपेड सिम की तरह होता है। प्रीपेड सिम में क्या होता है बेटा, पहले हम रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज जब कर लेते हैं बेटा तो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और ATM कार्ड भी यही होता है, पहले बैंक अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कर दो, जितने जमा कर दिए बस उतने ही यूज कर सकते हो, यही तो ATM कार्ड है। समझ आई बात? यही तो ATM कार्ड है, और डेबिट कार्ड भी तो यही होता है बेटा। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ पोस्टपेड सिम, पहले इस्तेमाल कर लो, जितना बिल आएगा पे कर देना। क्रेडिट कार्ड भी ऐसे ही होता है, पहले आप इस्तेमाल कर लो, जितना आपने यूज किया होगा पे कर देना, ठीक है ना? और बेटा क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक को कितने दिन में देने होते हैं?
देखो हर बैंक का अलग अलग टाइम पीरियड है, कुछ कहता है 52 दिन में दे दो, कुछ कहता है 54 दिन में दे दो, कोई 55 दिन में, कोई 60 दिन में भी लेता है। और आपको पता नहीं है बेटा 55 दिन में 555 रस्ते निकल जाते हैं, कभी नहीं सुना होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको ये कुछ चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। जन्नत मूवी में बेटा एक जगह पर आकर ये चीज़ है, मैंने भी वहीं से लर्न करा था, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड के बैंक पैसे लगभग 55 दिन में लेता है बेटा, ठीक है ना। अभी खैर आपको दिखाएंगे भी एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर, ठीक है ना, और आपको याद रहेगा पूरी ज़िंदगी की क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है। दूसरी बात बेटा, क्रेडिट कार्ड की आपकी रेप्यूटेशन और आपकी ट्रांजैक्शन पर बेस्ड लिमिट बनती है। एक बात बताओ, आज की तारीख में जो जितने सोशे जितने दिखावे हैं, क्रेडिट कार्ड होना अपने आप में माना जाता है, पता नहीं इंसान की कितनी रेप्यूटेशन है। ऐसा होता है ना बेटा, आपके दोस्त यार लोग करते होंगे बहुत सारे, है ना, दिखावे की दुनिया है भाई, क्या करें बाबू। अब होता क्या है, मान लो मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया किसी बैंक में और मैं 2-3 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ एक साल से। बेटा अगर मैंने लाखों में ट्रांजैक्शन रखी और साल 2 साल मुझे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑफर आना शुरू हो जाएगा और बैंक वाले मुझे अप्रोच करेंगे कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ रखा है। सरकारी बैंक कभी मेहनत नहीं करता, ये मेहनत सिर्फ प्राइवेट बैंक करते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक बहुत मेहनत करते हैं कि सर आपके अकाउंट में ऑफर आ रखा है, क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने कहा कितनी लिमिट आई, कह रहा अभी तो 1 ही लाख आई है। सर क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजैक्शन एंड योर रेप्यूटेशन, और बैंक के लिए आपकी रेप्यूटेशन मतलब आपकी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। किसी की लिमिट 25,000 आती है शुरू में, किसी की 50, किसी की लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख भी आ जाती है। मैंने लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया जिसकी लिमिट 1 लाख है, मैंने 20,000 यूज़ करे मान, बैंक को 55 दिन में पे कर दिए बेटा। 55 दिन में पे ना करे तो ब्याज के साथ पे करने पड़ेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। 55 दिन बीतते ही वो आपके ऊपर लोन खड़ा हो गया बेटा, ध्यान रखना। एक मिनट अभी करता हूँ, अभी क्या पता प्रॉब्लम ही ना बचे, मैं पहले पूरा डिस्कस कर लूँ। मैंने 55 दिन में पे कर दिए बेटा 20,000, ऐसे ही मैं ट्रांजैक्शन करता रहा 10,000 20,000 10,000 20,000 हर महीने पे करता रहा। एक साल के बाद मेरे अकाउंट में ऑफर आया कि लिमिट बढ़ गई, 1 की जगह अब 3 ले लो क्योंकि मैं रेगुलरली पे कर रहा हूँ, और ऐसे ही करते करते लिमिट लाखों में पहुँच जाती है। हाँ जी मैडम, अब बोलो। कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 55 दिन यूज़ करो, यही तो आपकी रेप्यूटेशन का फायदा है। 55 दिन तक बैंक के पैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने इशू किए हैं? सर कुछ तो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको यार। HDFC, ठीक है जी। SBI को भी पार कर गया बेटा। बाबू पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक सबसे बड़ा है। HDFC प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, बड़ा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बड़ा नेक टू नेक, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई साहब पीछे छोड़ने में सरकारी बैंकों को। बड़े जी बात करें आगे, ठीक है जी, समझ आया। डेबिट कार्ड और ATM कार्ड एक चीज़ होती है, टीचर को भी समझा देना अपने, वो तो बताएगी तुम्हें 3 कार्ड होते हैं, ठीक है जी। डेबिट और ATM एक बात, क्रेडिट कार्ड की मैंने चर्चा करी बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप चर्चा नहीं करो, क्या ही बताना है, आपको पता ही होगा, आपने जर्नल एंट्रीज बहुत करी है 11th क्लास में। DD पर और ई बैंकिंग पर चर्चा करता हूँ, पहले DD पर चर्चा करता हूँ। लो जी प्यारे बच्चों समझना बेटा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, वैसे आज का ये ज़माना नहीं है लेकिन फिर भी खैर इसकी बात करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बेटा पुराने ज़माने में जब पेमेंट मांगती थी ना तो डिमांड ड्राफ्ट से मांगती थी। डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट या DD होती क्या चीज़ है बाबू, अभी बताऊँगा दिखने में कैसा होता है। हम बैंक जाते थे बेटा, मान लो मेरा, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट मुझसे ऐसे ही पेमेंट लेता था। नाम है बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मुझे फीस जमा करनी है CA फाउंडेशन की, मान लो मैंने CA शुरू किया, मेरा इंस्टीट्यूट कहता था 6,000 का DD बनवा कर भिजवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बैंक गया, मैंने कहा 6,000 का DD चाहिए। बैंक ने कहा 6,000 का DD बनाने की 100 रुपये कमीशन है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये लो 6,100 रुपीज़ DD बना दो। बैंक ने कहा फॉर्म भर दो, ये DD का फॉर्म है बेटा। DD की फॉर्म में लिखा क्या होता है, इन फेवर ऑफ पेबल एट डेट एंड अमाउंट और आपके सिग्नेचर। लो जी सुनना बेटा, किसके फेवर में बनवाना चाहते हो DD,
बेटा मैं किसके फेवर में बनवाता था, द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करनी है बेटा, उसके सेक्रेटरी के फेवर में बनवाता था। पेबल एट कहाँ पे होगा, मेरा डीडी पे होता था कानपुर में। और बेटा डेट लिखता था, अमाउंट लिखता था कितनी, 6,000 रुपीज, और सिग्नेचर करे बैंक को दे दिया। बैंक मुझसे टाइम मांगता था आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में आपको डीडी दे रहा। डीडी दिखने में बेटा चेक की तरह होता है, बिल्कुल चेक, पर होता क्या है बेटा, जो वो चेक देता है ना वो प्रिंटेड होता है। सर जो आपके घर चेकबुक आती है उसमें तो हाथ से लिखते हो पे टू, अमाउंट, डेट, सिग्नेचर, ठीक है ना बाबू। जो बैंक मुझे डीडी बना के देता है वो चेक की तरह होता है लेकिन प्रिंटेड, पे टू नाम लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अमाउंट 6,000 वर्ड्स इन नंबर, ठीक है ना, डेट, और बेटा प्रिंट निकाल के मुझे दे देता है, बिल्कुल चेक है, बिल्कुल चेक लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में। सो डिफरेंस क्या हुआ बेटा, डीडी और चेक में क्या डिफरेंस हुआ बेटा, एक काम की बात सुन लो बाबू, डीडी इज मच सेफर देन अ चेक, मच सेफर देन अ चेक, बहुत ज्यादा सेफ होता है चेक के कंपैरिजन में। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात बेटा, डीडी डिसऑनर नहीं हो सकता ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। आप खुद सोचो, मेरे अकाउंट में 10 रुपए हैं, मैंने 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया, दे नहीं सकता, तुझे क्या पता भाई मेरे अकाउंट में कितने हैं, मैं 1 करोड़ का काटो चाहे 10 करोड़ का काटो, चेक तो दे सकता हूं ना कितनी भी अमाउंट का भाई मैं। तो बाबू क्या चेक डिसऑनर होता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, चेक डिसऑनर होता है, डीडी डिसऑनर हो सकता है। बैंक ने कहा ना ला भाई पहले 1 करोड़ का डीडी ला, पहले 1 करोड़ जमा करा, कमीशन दे मेरी तब दूंगा डीडी आधे घंटे के बाद। डीडी कभी डिसऑनर नहीं होता बेटा, इसी वजह से ना तो कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई इंस्टीट्यूट रिस्क लेता था कि चेक आएंगे पता नहीं कितने डिसऑनर हो जाएंगे फिर मत्थापच्ची करनी पड़ेगी बच्चों को बुलाना पड़ेगा, अरे तुम डीडी दो, सारे इंस्टीट्यूट ये कहते थे डीडी दो, सारे कॉलेज डीडी बनवा कर दो, कोई चेक एक्सेप्ट नहीं करता। डीडी डिसऑनर नहीं हो सकता ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, क्लियर हुई बात, क्या डिफरेंस होता है चेक में और डीडी में। करें बात बेटा लास्ट ई बैंकिंग की बात करते हैं, लो जी फटाफट से बच्चे तो कह रहे हैं और फटाफट कर लो, कोई स्पीड बढ़ती हो वो भी बढ़ा लो। लो खैर मैं तो कह रहा हूं बच्चों आज कुछ और भी बता के जाऊंगा आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन में, हाय हाय निकल की जान, चलो चलो कोई लो बेटा, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मींस यूजिंग इंटरनेट, बैंकिंग यूजिंग इंटरनेट, ठीक है जी, बैंकिंग करना इंटरनेट का इस्तेमाल कर। बाबू देखो आपको ये लगता होगा कि हमें इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, हमें अच्छा लगता है घर बैठकर ट्रांजैक्शन करना, लेकिन यकीन मानना आपका बैंक भी यही चाहता है, आपका बैंक भी चाहता है आप बैंक ब्रांच में आओ ही मत किसी भी काम के लिए। और बेटा एक ऐसी कंट्री भी है जिसने 100% एलिमिनेट कर दिए अपने अपने देश में बैंक को, 100% कोई ब्रांच ही नहीं है तो वहां वर्किंग कैसे चलती होगी बाबू। वो एटीएम कम सीडीएम मशीन का यूज कर रहे हैं, एटीएम पता है ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन, आपको पता है ना आज की तारीख में किसी ने देखा हो इस्तेमाल किया हो, दोनों इकट्ठे भी होती हैं, एटीएम कम सीडीएम मशीन देखिए किसी ने ट्रांजैक्ट किया है क्या यार, तुम 12th क्लास में हो कैसी बात करते हो, मुझे 1,00,000 रुपये जमा कराने हैं किसी अकाउंट में, मैं गया एटीएम कम सीडीएम मशीन में, उस सीडीएम मशीन में मैंने 1,00,000 रुपए डाले, काउंट करे बेटा मशीन ने बताया 1,00,000 है, किसके अकाउंट में डालने चाहते हो, मैंने अकाउंट नंबर डाला एंटर करा पहुंच गए, और बेटा 15 मिनट बाद कोई इंसान है उसने 50,000 निकालने, वही एटीएम मशीन भी है, लोग डिपॉजिट भी कर रहे हैं लोग विड्रॉल भी कर रहे हैं, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं विड्रॉल कर रहे हैं, एटीएम कम सीडीएम मशीन यूज हो रही है कैश जमा करने के लिए निकालने के लिए, ठीक है ना, और बेटा फंड ट्रांसफर के लिए ई बैंकिंग। आपको बता देता हूं बेटा ई बैंकिंग पुराने जमाने में शायद कभी सेफ ना रही हो, आज की तारीख में 100% सेफ है, कुछ वजहें हैं बेटा इसकी सुनना। पहली बात तो बेटा पहले जो वेबसाइट बनती थी बेटा कुछ बैंक्स की तो बेटा वो यूज करती थी HTTP, इससे पता लगता है बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में कितनी सिक्योरिटी है कितनी वेबसाइट सेफ है बेटा। HTTP का मतलब होता है, खैर मेरे को इन चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा समझ हो सकती है क्योंकि बेटा हमें बैंक के सब नॉर्म्स चेक करने होते हैं, हम लगे होते हैं बेटा इन चीज़ों में।
HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बेटा आप देख लेना, आज की तारीख में हर बैंक की वेबसाइट HTTPS में ऑपरेट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। SS का मतलब यहां पर सिक्योर्ड है, यानी कि बेटा इसके ऊपर SSL लगा होता है बेटा, सिक्योरिटी फीचर लगे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्यों और सेफर हो जाती है बेटा, इंडिया में तो इंटरनेट बैंकिंग हद से ज्यादा सेफ है, हद से ज्यादा। आप ये समझो बेटा, आपको दो 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 पासवर्ड दिए जाते हैं, यूजर आईडी दिया जाता है और बेटा लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, एज वेल एज आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग दिया जाता है, और इसके अलावा भी OTP। सर आप सोच भी नहीं सकते कि सेफ्टी की अगर मैं बात करूं कितनी सेफ्टी होती है। बैंक ने आपको एक यूनिक आईडी दी, यूजर आईडी जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, इसके अलावा आपको एक लॉगिन पासवर्ड दिया। मैंने बेटा यूजर आईडी डाली, लॉगिन पासवर्ड डाला, सिर्फ लॉगिन होगा पेज, आप चेक कर सकते हो मैंने कितनी ट्रांजैक्शन की है, मेरी पास हिस्ट्री क्या है, कितना बैलेंस पड़ा है, सब चेक कर सकते हो। मैंने अगर फंड ट्रांसफर करना है शिवम के अकाउंट में तो उसके लिए मुझे दूसरा पासवर्ड डालना है बेटा, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड। और जब मैं बेटा पासवर्ड एंटर कर भी दूंगा, उसके अलावा भी मेरे फोन के ऊपर OTP आएगा, जब मैं OTP एंटर करूंगा तब जाकर फंड ट्रांसफर होगा। तो सर आप सोच सकते हो तीन तीन तो पासवर्ड ही डाल रहा हूं, मजाक तो है नहीं बेटा कि इतनी सारी चीजें एक साथ लीक हो जाए, तो इस वजह से भी सेफ हो जाती है। एक लास्ट बात आपको बताता हूं, क्यों बैंक नहीं चाहता कि आप बैंक ब्रांच के अंदर आ जाओ। सर आप, मैं एक बात बोलता हूं, आपने ना आज गए बैंक में अपने सेविंग खाते में 100 रुपए जमा कराने, चाहे 50 कराने हो, बैंक मना कर देगा कि 100 मत जमा कराओ, कुछ ज्यादा करा लो? नहीं, आपने 100 रुपए जमा कराए, आपसे बैंक कुछ खर्चा लेता है सेविंग बैंक में पैसा जमा करने का? आपसे कहा उसने कुछ चार्जेस दे दो? नहीं, आपको पता है बैंक खर्चा कर रहा है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। सर हमें लगता है सामने वाले का क्या ही खर्चा है। आपको एक अंदाजा बता देता हूं बेटा, बैंक ब्रांच में होने वाली हर ट्रांजैक्शन पर एक अंदाजा बोलता है 45 रुपए खर्चा आता है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्यों सर? 20 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, एक की सैलरी एवरेज 50,000 मान लो, 10 लाख रुपए महीना सैलरी। कोई भी बैंक बेटा ऐसा नहीं होता जो अपनी जगह पे होता है, सब रेंटेड जगह पर है। 2 से 2.5 लाख रुपए रेंट, बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, स्टाफ का सब कुछ, वॉचमैन का खर्चा, हर चीज है। मान लो अगर आप महीने के 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है सिर्फ कुछ भी समझ लो बेटा 4 लाख 5 लाख, तो हर ट्रांजैक्शन पे कितना खर्चा कर रहे हो? तो एक अंदाजा बोलता है बैंक हर ट्रांजैक्शन पर 45 रुपए खर्च कर देता है, हर ट्रांजैक्शन पर जो बैंक ब्रांच के अंदर हो रही है। समझ आया? ATM मशीन पर होने वाली हर ट्रांजैक्शन का बैंक को खर्चा आता है लगभग 12 रुपए। अब ATM मशीन पर भी ट्रांजैक्शन का खर्चा आता है बेटा? बिल्कुल आता है बेटा, वो जगह भी तो रेंट पर है जहां पर ATM लगाया हुआ है, 10,000-15,000 वहां का रेंट दे रहे हो, 24 घंटे वॉचमैन बैठा रहेगा उसकी सैलरी, जो 3 शिफ्टों में काम करेंगे, ठीक है ना बेटा, AC चलता रहता है 24 घंटे बेटा, उसका भी पे करना है बैंक को बेटा। इसके अलावा बार बार ATM मशीन रीफिल होगी, खाली हो जाती है, रीफिल के लिए आते हैं ना बेटा, उसका भी पे कर रहा है बैंक। तो बेटा ATM में होने वाली हर ट्रांजैक्शन, जो आप पैसे निकालते हो, जो आपको 4-5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है, उसका भी बैंक को 12 रुपए खर्चा आ रहा होता है। और बेटा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक को खर्चा आता है 80 पैसा, बस थोड़ा बहुत वेबसाइट का मेंटेनेंस कराना पड़ता है आपको, SSL का ध्यान रखना पड़ता है कि सारे सिक्योरिटी फीचर लगे रहे, और थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट जो भी आप अपने वेब डिजाइनर को पे कर रहे हैं। सर बैंक क्या चाहता होगा? आप बैंक के अंदर आकर ट्रांजैक्शन करो। बैंक हमेशा चाहता है बेटा इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता रहे फंड ट्रांसफर के लिए, CDM कम ATM मशीन का इस्तेमाल होता रहे पैसे निकालने के लिए और जमा करने के लिए। आप आओ ही ना बैंक ब्रांच के अंदर, और वेरी सून देख लेना बेटा, वेरी सून आप देखोगे ब्रांचेस कम होनी शुरू हो जाएंगी, और इन चीजों का बेटा ये ट्रेंड में आ जाएंगी चीजें, देख लेना और 5-7 साल, ठीक है ना, अगर मेरी समझ कुछ कहती है तो 5-7 साल के अंदर बेटा ये चीजें बहुत ट्रेंड में होंगी और बैंक ब्रांचेस कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर बात समझ में आया बेटा? अलाइड सर्विसेस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।